अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। वो जनाब मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है, तो अब जनाब हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए कोई तरीकाकार क्या इख्तियार करेंगे वो हम डिस्कस करने वाले हैं। जनाब अली एम्पेयर्स लॉ ला 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 एम्पेयर्स लॉ क्या है जनाब? एम्पेयर साहब के नाम पे है। ये वही एम्पेयर है जनाब जिनका जिनके नाम पे करंट के यूनिट हैं, वो जनाब एम्पेयर लॉ या एम्पेयर सर्कुलेटर लॉ भी इसे कहा जाता है। क्या है जनाब एम्पेयर लॉ? बिल्कुल ऐसे जैसे गॉस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए, गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए हम गॉसियन सरफेस डिफाइन किया करते हैं, वैसे ही एम्पेयर लॉ को अप्लाई करने के लिए हम एम्पेरियन पाथ इस्तेमाल करेंगे। जनाब एम्पेयर लॉ किस काम आता है? ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करने के काम आता है। तो जनाब एम्पेयर लॉ को अप्लाई करके, इस्तेमाल करके हम मेजर करेंगे। क्या मेजर करेंगे? हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मेजर करेंगे, और फिर इसकी बुनियाद पर आप मैग्नेटिक फ्लक्स भी मेजर कर सकते हैं बाद में। तो जनाब कैसे सिचुएशन देखते हैं, ये कंडक्टर है जनाब हमारे पास स्ट्रेट कंडक्टर है। फिलहाल अगर स्ट्रेट की बजाय किसी और तरह का कंडक्टर होगा तो वो भी फिर हम देख लेंगे। तो जनाब इस स्ट्रेट कंडक्टर में से करंट गुजर रहा है आई, और जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं एक्सपेरिमेंटल बेस पे के किसी कंडक्टर में से गुजरने वाले करंट की वजह से उसके सराउंडिंग रीजन में मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड मालूम किया जा सकता है राइट हैंड रूल से। ये करंट है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा जी? सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होगा। स्ट्रेट करंट है तो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होगा। और जनाब ये वाली करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो रेड कलर का दायरा है जनाब ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर्कुलर कंसंट्रिक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी कंडक्टर में से गुजरने वाले करंट की वजह से। तो हमने मालूम करना है कि इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है जो इस कंडक्टर में से गुजरने वाले करंट की वजह से पैदा हो गया है। तो उसके लिए क्या करेंगे जी? बाय यूजिंग एम्पेयर्स लॉ हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करेंगे, और उसके लिए हम एम्पेरियन पाथ डिजाइन करेंगे। बिल्कुल ऐसे जैसे गॉसियन सरफेस थी, हम सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज भी डिस्कस करने वाले हैं बिटवीन एम्पेरियन पाथ एंड गॉसियन सरफेस। ये लिखी हुई है जनाब डिसिमिलैरिटीज ऊपर और नीचे सिमिलैरिटीज हैं। देखिए जी, गॉसियन सरफेस 3D होती थी, एम्पेरियन पाथ है ये 2 डायमेंशन में होगा, ये प्लेन में होगा। गॉसियन सरफेस स्पेस में हुआ करती थी। एम्पेरियन पाथ किस काम आएगा? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करने में हमारी मदद करेगा, और उसके बाद फिर आप चाहें तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी मेजर कर सकते हैं। गॉसियन सरफेस की मदद से डायरेक्ट आप मेजर करते थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई और एंड हेंस, और उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करते थे। ये अब फर्क है दोनों में। गॉस लॉ को अप्लाई करके आप पहले गॉस लॉ के फार्मूले में फ्लक्स निकलता था, बाद में आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करते थे। एम्पेयर लॉ की मदद से आप मालूम करते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड हेंस मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर जरूरत पड़े तो उसके बाद फिर इसको इस्तेमाल करके मैग्नेटिक फ्लक्स आप मेजर करेंगे या कर सकते हैं। तो जनाब एम्पेयर लॉ करंट को डील करता है, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, तो एम्पेरियन पाथ करंट को एनक्लोज करेगा। गॉसियन सरफेस चार्जेस को डील करती है, तो इट एनक्लोजेस चार्ज। दीज आर द डिसिमिलैरिटीज डिफरेंसेस बिटवीन एम्पेरियन पाथ एंड गॉसियन सरफेस। तो करना क्या है जी? एम्पेयर लॉ को अप्लाई करके करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो आपने मेजर करना है, सबसे पहला काम क्या है कि आपने एक एम्पेरियन पाथ डिजाइन करना है गॉसियन सरफेस की तरह। सिमिलैरिटीज क्या है इनमें? कि बोथ आर क्लोज्ड, गॉसियन सरफेस भी क्लोज्ड, एम्पेरियन पाथ भी क्लोज्ड होना चाहिए, वो 3 डायमेंशन में या 2 डायमेंशन में। बोथ चॉइस ऑफ बोथ इज आर्बिट्रेरी, साइज शेप जैसा मर्जी चूज कर ले, कोई मसला नहीं है, दोनों इमेजिनरी है, दोनों वर्चुअल है। चलो मैं यहां ये भी लिख देता हूं कि बोथ आर इमेजिनरी, और वैसे ये बोथ आर चॉइस ऑफ बोथ आर आर इज आर्बिट्रेरी, इससे भी यही मतलब निकल सकता है, लेकिन चले हमने एक और पॉइंट बना लिया।
तो जनाब इंपीरियल पाथ आप जिस मर्जी साइज का जिस मर्जी शेप का डिफाइन कर लीजिए, कोई मसला नहीं है। तो इट मस्ट एनक्लोज करंट, जिस करंट की वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड मेजर करने जा रहे हैं, इंपीरियल पाथ को उस करंट को एनक्लोज करना चाहिए, एम्पेरियन पाथ को उस करंट को एनक्लोज करना चाहिए जिस करंट को आप मेजर करना करने जा रहे हैं। तो इस स्ट्रेट कंडक्टर के सराउंडिंग रीजन में हमने मैग्नेटिक फील्ड मेजर करना है, एस्टिमेट करना है। तो इसके सराउंडिंग रीजन में आप एम्पेरियन पाथ बना लीजिए। हमें अंदाजा है कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होगा, तो हमने एम्पेरियन पाथ भी सर्कुलर बना लिया। देखिए ये ब्लू कलर वाला एम्पेरियन पाथ बना लिया है। अब क्या करें, अगला मरहला एम्पेरियन पाथ डिजाइन हो गया, अब क्या करें जी, इस एम्पेरियन पाथ के पैचेस बना लीजिए, हिस्से बना लीजिए। चूंकि अब ये पाथ है तो इसके पैचेस, काशी सरफेस 3 डायमेंशन में होती थी तो उसका हर पैच एरिया होता था, ये इसका हर पैच लेंथ होगी एक, क्योंकि ये 2 डायमेंशन में है। तो ये जनाब इतना पैच Δl1, Δl2, Δl3, Δl4, Δl5, Δl n। अब क्या करें, इंपीरियंट पाथ के पैचेस बन गए, हिस्से बन गए हैं, लेंथ सेगमेंट बन गए हैं, लेंथ सेगमेंट लेंथ के हिस्से बन गए हैं, पार्ट बन गए हैं लेंथ के। अब क्या करें, हर हिस्से के लिए बी डॉट डेल्टा एल लीजिए, हर हिस्से के लिए बी डॉट डेल्टा एल लीजिए, बी डॉट डेल्टा एल इसके लिए। तो आप देखें यहां पे बी और डेल्टा एल दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। जब बी और डेल्टा एल दोनों सेम डायरेक्शन में, इनके दरमियान एंगल 0 होगा। अगर सेम डायरेक्शन में नहीं है तो एंगल 60 है, 90 है, कितना है, जितना भी है वो आप ले लेंगे जी। तो जनाब बी और डेल्टा एल के दरमियान एंगल आप मालूम करेंगे, बी डॉट डेल्टा एल लेंगे फॉर ऑल द लेंथ एलिमेंट्स, फॉर ऑल द लेंथ सेगमेंट्स बी डॉट डेल्टा एल लेंगे, ठीक है। अब देखिए डेफिनेशन क्या है, एम्पेयर लॉ की, इधर को हो जाऊं ताकि मैं जरा स्क्रीन में मूवी में भी मैं आता रहूं, तो ये ना हो कि मैं बैकग्राउंड सिंगर बन जाऊं। तो जनाब डेफिनेशन क्या है, सम ऑफ द क्वांटिटीज बी डॉट डेल्टा एल, वो बी डॉट डेल्टा एल की जितनी क्वांटिटीज आपने ली है सारे एम्पेरियन पाथ के हिस्से कर लीजिए, हसबे जायका, हसबे तौफीक, हसबे ख्वाहिश, हसबे सिचुएशन, और तमाम बी डॉट डेल्टा एल को जमा कीजिए, सम ऑफ क्वांटिटीज बी डॉट डेल्टा एल फॉर ऑल द पाथ एलिमेंट्स इनटू विच, वो विच के स्पेलिंग, इनटू विच द कंप्लीट लूप हैज बीन डिवाइडेड, वो इंपीरियल पाथ के आपने जितने हिस्से किए हैं हर हिस्से के लिए बी डॉट डेल्टा एल लीजिए और तमाम बी डॉट डेल्टा एल को जमा कर लीजिए। इक्वल्स ये किसके बराबर है, हमने जमा कर लिया सबको, तो सबको जमा करके कैसे लिखा जी, सिग्मा आर इज फ्रॉम 1 to n, सिग्मा आर इज फ्रॉम 1 to n बी डॉट डेल्टा एल आर इज इक्वल टू किसके बराबर है, म्यू नॉट टाइम्स, म्यू नॉट टाइम्स, म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय आई, क्या है, करंट। अब ये आई करंट जरूरी नहीं है कि टोटल करंट हो, याद रखिएगा, आई क्या है, ये वो करंट है दैट इज एनक्लोज्ड बाय एम्पिरियन पाथ, आई क्या है, ये वो करंट है दैट इज एनक्लोज्ड बाय एम्पेरियन पाथ, जो एम्पेरियन पाथ के अंदर करंट आ रहा है वो करंट है आई, इसलिए यहां पे नोट भी लिख दिया गया है कि आई इज द करंट एनक्लोज्ड बाय एम्पेरियन पाथ, जरूरी नहीं है, यहां पे तो सारे का सारा करंट एम्पेरियन पाथ के अंदर आ रहा है, जरूरी नहीं है कि सारा करंट ही एम्पेरियन पाथ के अंदर आए, जितना करंट भी एम्पेरियन पाथ के अंदर आएगा वो लिखा जाएगा। तो म्यू नॉट जनाबी अली क्या है यहाँ पे, मैं दोबारा कैमरे में देखूँ स्क्रीन पे जगह कहाँ पे है ताकि वहां पे लिखा जा सके, तो जनाब म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट इज द परमेबिलिटी, क्या एक नवी शय आ गई कुछ लगता है, जैसे जनाब गाजर ला में थी परमिटिविटी एप्साइलन, ये है म्यू नॉट परमेबिलिटी, वही डेफिनेशन है जो परमिटिविटी की थी, परमिटिविटी परमिशन से परमेबिलिटी, वहां पे परमिटिविटी की डेफिनेशन थी इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से, चार्ज के लिहाज से, परमेबिलिटी की डेफिनेशन है जनाब मैग्नेटिक फील्ड के लिहाज से,
measure of degree to which a medium can resist the flow of magnetic field through itself. कोई मीडियम अपने अंदर अपने में से मैग्नेटिक फील्ड को कितना सपोर्ट अपोज करता है, ये उस मीडियम की परमेबिलिटी है। तो म्यू से लिखा जाता है परमेबिलिटी को, म्यू नॉट है बेटा जी परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम यानी परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये है जनाब म्यू नॉट यानी के परमेबिलिटी, और इसके यूनिट और वैल्यू क्या है जनाब, वैक्यूम की परमेबिलिटी होगी म्यू नॉट परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय 10 रेस टू पावर माइनस 7, 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय 10 पर माइनस 7। और यूनिट क्या होंगे, यहां से बनाइए परमेबिलिटी के यूनिट जनाब, आई को उठा के ले जाइए नीचे, बी एल बटा आई। बी क्या है टेस्ला, एल क्या है जनाब लेंथ मीटर, बटा क्या है एम्पेयर, टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। ये मैंने फार्मूले से बनाए हैं, ये मुस्तमल यूनिट नहीं है, आम इस्तेमाल होने वाले इसके जो यूनिट हैं वो है जनाब वीबर पर मीटर पर एम्पेयर, वीबर पर मीटर पर एम्पेयर। हाय हाय हाय, दो गुना अजाब अस्त जाने मजनूरा, मजनू गरीब की जान को दोहरा अजाब। अभी पिछली वीडियो में पिछले लेक्चर में मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स इंटेंसिटी, फ्लक्स फील्ड स्ट्रेंथ, फला 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 इन सारे यूनिट से अभी जान छूटी नहीं थी कि ये एक और आ गया जी। देखें मिलते जुलते ही हैं, आप टेस्ला की जगह पे लिखिएगा, टेस्ला को वीबर में कन्वर्ट करके लिखें, सिंपलीफाई करके लिखिएगा तो यही निकल आएंगे। अब आप माहर हो गए होंगे इतने काम के। तो जनाब देखें क्या सूरत हाल थी, 1 टेस्ला इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर। तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी या सिंपली परमेबिलिटी ये क्या है, वीबर पर मीटर पर एम्पेयर, टेस्ला था न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर, तो परमेबिलिटी है वीबर पर मीटर पर एम्पेयर। देखिए अब लॉजिक सिचुएशन और सेंस मिलती जुलती है, लेकिन फार्मूले से बना लीजिए। मैंने इसलिए पहले ही ये यूनिट नहीं लिखे, जो फार्मूले से बने थे वो लिख दिए। तो टेस्ला किसके बराबर होता है जनाब, टेस्ला को आप लिखेंगे वीबर में कन्वर्ट करके तो ये बन जाएंगे। तो जनाब अली एम्पेयर लॉ को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, आपने करंट जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड मेजर करना है, उस करंट के लिए उस करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग रीजन में टू डायमेंशनल पाथ डिजाइन करना है जिसे एम्पिरियन पाथ कहेंगे। इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है एम्पिरियन पाथ की, ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स है, सिर्फ ये वाला हिस्सा ये पॉइंट आप लिखेंगे, ये और ये भी, ये इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये इंपीरियन पाथ और गाशियन सरफेस में डिसिमिलरिटीज, ये सिमिलरिटीज। तो सिमिलरिटीज क्या है, डिसिमिलरिटीज क्या है, हम एम्पेयर लॉ को इस्तेमाल करके अगले लेक्चर में अगली वीडियो में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करने जा रहे हैं एक सोलिनॉइड की। सोलिनॉइड क्या होती है, कैसे मेजर करेंगे, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज तक के लिए इतना काफी है, कोई आपके जहन में क्वेश्चन हो तो ज़रूर रब्ता कीजिए, कमेंट कीजिए, नंबर नीचे दिया हुआ है उस पर रब्ता कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बहुत शुक्रिया आपका मुझे बर्दाश्त करने के लिए।